हेलो वीवर्स, महादेव जी का वास हमेशा से ही हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों और पर्वतों पर रहा है, जिनमें से एक है श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव हमेशा से ही एक पूजनीय स्थान माना जाता है, जहां पर आम लोगों के लिए जाना एक नामुमकिन सा काम बन जाता है। श्रीखंड महादेव की ऊंचाई 18,500 फीट की है। यह अमरनाथ गुफा से 4,500 फीट ज़्यादा ऊँचा है। इसकी ऊंचाई इतनी है कि यहाँ कभी भी बारिश शुरू हो जाती है और कभी भी धुंध पड़ जाती है, और जगह जगह तो बर्फ के ग्लेशियर बन जाते हैं, और इसका तापमान तो 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिस कारण यात्रा करते समय आपके घुटने तक जाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीखंड महादेव के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। आज मैं आपको श्रीखंड महादेव के इतिहास, यात्रा के पड़ाव, श्रीखंड महादेव कैसे जाएं और आखिर में महाभारत के पांडवों से श्रीखंड महादेव के संबंध के बारे में बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। शिव भक्ति में लीन होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देख सकूं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीखंड महादेव के इतिहास की। श्रीखंड महादेव के इतिहास के बारे में कहते हैं कि यहाँ शिव को मजबूरी में कई महीनों तक छुप कर रहना पड़ा था। हिमाचल के जिला कुल्लू में स्थित श्रीखंड महादेव सदियों से भगवान शिव के शिवलिंग रूप का गवाह बनता रहा है। कहा जाता है कि भस्मासुर नामक राक्षस ने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की, और तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। और भस्मासुर ने वरदान मांगा कि वह जिस भी जीव के सिर पर हाथ रखे वह उसी समय भस्म हो जाए। भोलेनाथ भगवान ने वरदान दे दिया। वरदान पाकर भस्मासुर घमंड से भर गया और उसने शिव जी को ही भस्म करने की युक्ति बना ली। इससे बचने के लिए शिव जी हिमालय की एक गुफा में छुप गए। कई महीनों तक शिव जी को वहीं पर छुप कर रहना पड़ा। और दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने शिव और संसार को बचाने के लिए मोहिनी नाम की एक सुंदर महिला का रूप धारण किया। मोहिनी ने भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए कहा और भस्मासुर भी नृत्य करने लगा। इसी बीच मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखा और नकल करते भस्मासुर ने भी अपना हाथ सिर पर रखा, और वरदान के वह वहीं पर ही भस्म हो गया। भस्मासुर का नाश होने के बाद सभी देवता शिव जी के पास पहुँचे और उनसे गुफा से बाहर आने की प्रार्थना करने लगे, पर भोलेनाथ गुफा से बाहर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वह उसी के अंदर फंस गए थे और गुफा से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसी कारण एक गुप्त रास्ते से होते हुए वह पहाड़ की चोटी पर पहुँचे और एक शक्ति रूप में प्रकट हुए। जब वह चोटी से निकले तो एक जोरदार धमाका हुआ और शिवलिंग प्रकार की एक विशाल शिला बन गई, और इसे ही शिवलिंग मानकर पूजा जाने लगा। इसके साथ ही दो बड़ी चट्टानें भी हैं जिसे माता पार्वती और गणेश के नाम से पूजा जाने लगा है। अब हम बात करते हैं श्रीखंड महादेव के यात्रा के पड़ाव के बारे में। श्रीखंड महादेव की यात्रा जुलाई में प्रारंभ होती है, जिसे श्रीखंड महादेव ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। यह ट्रस्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कई सुविधाएं प्रशासन के सहयोग से उपलब्ध करवाता है। सिंघाट, थारचू, भीम डवारी और पार्वती बाग में कैंप स्थापित है। सिंघाट में पंजीकरण और मेडिकल चेकअप की सुविधा है, जबकि विभिन्न स्थानों पर रुकने और ठहरने की सुविधा है। कैंपों में डॉक्टर, पुलिस और रेस्क्यू टीमें भी तैनात रहती हैं। इस यात्रा को पूरा करने के लिए आपको 3 पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहला पड़ाव सिंघाड़ी का है, दूसरा थाड़ूचू का है और तीसरा भीम डवार है। अब हम बात करते हैं श्रीखंड महादेव कैसे पहुँचे। देश की राजधानी को शुरुआती बिंदु मानते हुए दिल्ली से शिमला, शिमला से रामपुर, रामपुर से नीरमंड, नीरमंड से बागीपुल और बागीपुल से जाओं और जाओं से श्रीखंड की चोटी पहुँचे। दिल्ली से श्रीखंड महादेव की कुल दूरी 553 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्रीखंड महादेव से महाभारत के पांडवों का क्या संबंध है। दोस्तों, महाभारत में बार बार उल्लेख मिलता है कि पांडव शिव जी के कितने बड़े भक्त हुआ करते थे। वनवास के दौरान वह जिस भी जगह रुके वहां उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया था, और आज के समय में भी हिमाचल और पंजाब के कई जिलों में पांडवों द्वारा बनाई गई यह शिव मंदिर मिलते हैं।
जिन पर हमारे ज्ञानवीला चैनल पर भी फ्यूचर में काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पांडवों ने जब अपना राजपाट पूरा किया तो भीम ने स्वर्ग से धारने के लिए श्रीखंड महादेव से ही पौड़ियाँ बनाना शुरू की, पर समय की कमी के कारण वह आधी ही रह गई। अगर आप आज भी श्रीखंड महादेव जाएंगे तो आप उसी भीम द्वारा बनाई गई पौड़ियों को भीम डवार नामक स्थान पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का श्रीखंड महादेव पर हमारी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवीला को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।